नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओनली आयुर्वेदम में। मैं हूं आपकी दोस्त नेहा प्रजापति। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के विषय में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, ये संकेत मिलने लगे तो समझ जाए अब सब अच्छा ही होगा। नियम एक फिल्म का डायलॉग है, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उससे मिलाने की कोशिश करती है। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है, अर्थात आप जिस चीज की इच्छा करते हैं या जिसके साथ गहराई से जुड़ जाते हैं, जिस पर वह श्वास करते हैं, वो स्वयं आपके प्रति आकर्षित होने लगती है। फिर वह चीज नकारात्मक हो या सकारात्मक, आप जितना ज्यादा उससे जुड़ाव रखेंगे, ब्रह्मांडीय शक्तियां उसे आपके और नजदीक लाती जाएंगी। जादू या चमत्कार, अगर आप इसे किसी प्रकार का जादू या चमत्कार समझते हैं तो यह उनमें से कुछ नहीं है। यह मात्र आपका आत्मविश्वास और उसे पाने की योजना के ऊपर भरोसा ही है जो आपको उस चीज, घटना या व्यक्ति के नजदीक लेता जाता है। संकेत, जब हम किसी बात को लेकर बहुत परेशान होते हैं तो हम ईश्वर के नजदीक जाते हैं, और जब हम स्वयं ईश्वर पर ही अपने सब काम छोड़ देते हैं तो वो हमें कुछ ऐसे संकेत देता है जिसे कुछ लोग समझ पाते हैं तो कुछ लोग उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। ब्रह्मांड की शक्तियाँ, इस लेख में हम उन्हीं संकेतों के बारे में बताएंगे जो स्वयं ईश्वर या ब्रह्मांड की शक्तियाँ हमें देती हैं। ये वो संकेत हैं जिनके आधार पर हम यह जान सकते हैं कि हमारी इच्छा अब जल्द ही पूरी होने वाली है। अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो समझ लीजिए कि अब आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अंदरूनी खुशी, जॉब हो या आपका कोई अन्य करियर संबंधी क्षेत्र, व्यक्तिगत जीवन हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ, जब हर क्षेत्र में आपके साथ अच्छा ही अच्छा हो रहा हो, लव लाइफ अच्छी हो, कौरिया भी आपक सही दिशा में हो और परिवार में भी खुशहाली हो, तो समझ लीजिए कि आप अपनी जिस इच्छा की पूर्ति का इंतजार कर रहे हैं वह इच्छा अब पूरी होने जा रही है। मुखर, मनोवैज्ञानिक तौर पर आप खुद को ज्यादा उदार और मुखर महसूस करते हैं, क्योंकि अंदरूनी तौर पर आपको ये लगता है कि यह समय कुछ नया करने का है। आप नई चीजों और रिश्तों को लेकर काफी सहज होते हैं और आपके अंदर भय लेकिन परंतु जैसी बातें नहीं उठती। यह एक अच्छा संकेत है, यह बताता है कि ब्रह्मांडीय शक्तियां आपको स्वयं से जोड़ना चाह रही हैं। वर्तमान से प्रेम, हो सकता है कल तक आपका अतीत आपको घेरे हुए हो सकता है आप अपने अतीत की यादों को भुला पाने में सफल ना हो पा रहे हो, लेकिन जब कुछ नया, कुछ बहुत अच्छा आपके लिए बाहें फैलाए खड़ा होता है तो आप अपने आप ही उस दुखद अतीत को भूल कर वर्तमान में जीने लगते हैं। आपको अपने आज से प्रेम होता है और आप अपनी स्थिति को लेकर काफी संतुष्ट रहते हैं। सकारात्मकता, जब ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं आपको अपने आप से जोड़ने लगती हैं, आपको उस चीज से मिलवाने लगती हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है, तो इसका सबसे बड़ा संकेत यही होता है कि आपके आसपास की सारी नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और आपके संपर्क में जो चीज, व्यक्ति या घटना होती है वह सकारात्मकता से ही परिपूर्ण होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा ले ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, अब चाहती हूँ इजाजत। नमस्कार।